एक बात से मैं सहमत हूँ, कई चीजें ऐसी हैं जो इतिहास में कभी नहीं हुई, इस बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। और आपने कहा कि इतने सांसदों को जो है सस्पेंड किया गया, दुर्भाग्यपूर्ण था, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन इतिहास में मैंने आज तक नहीं देखा, मैंने क्या मुझे लगता है किसी ने नहीं देखा होगा कि जब संजय सिंह मार्शल को घूंसा मार रहे थे, वो वीडियो भी हमने देखा था, इतिहास में कभी नहीं देखा था। जब पूरी की अभी सुनिए संसद के अंदर मैंने संसद की बात कर रहा, विधानसभा में तो आप लोगों ने माइक उखाड़ कर फेंके थे, वो मुझे मालूम है। सिर्फ घूंसा नहीं मारा था, एक महिला मार्शल का गला दबाया था, वो महिला मार्शल आईसीयू में भर्ती हुई थी, महिला मार्शल का गला दबाया था, संविधान की जो किताब थी उठा के स्पीकर की कुर्सी पर फेंकी गई थी। ये भी जो है ऐतिहासिक है। आज से पहले मैंने कम से कम मैंने क्या देश ने आज तक कभी ऐसी बेशर्मी नहीं देखी थी कि जब महिला मार्शल का गला दबाकर उसको पहुंचा दिया जाता आईसीयू में। ऐसी बेशर्मी देश ने कभी नहीं देखी थी जो इस बार देखी। ये तो दूसरा ना बोले, मैं तो किसी की बात में नहीं बोलता, अभी मैंने बोलना शुरू किया था कुर्सी तो उछलने लगे, अब इनके बाद नीचे लगेगा, नीचे करिए इनके बाद, अब कुर्सी से उछलने लगे, अब दो चार सच बताए तो कुर्सी से उछलने लगे, सच सुनने की आदत भी डालिए। ऐतिहासिक चीजें हमने भी बहुत सारी देखी हैं, और वो इतिहास के पन्ने खोलना शुरू करूंगा तो आप लोगों के लिए डिबेट में बैठना मुश्किल हो जाएगा, डिबेट छोड़ छोड़ के भागेंगे आप लोग। हेलो नमस्कार, जय हिंद सभी को, जय श्री राम। दोस्तों, जब से सपा और कांग्रेस का अलायंस हुआ है, मानो इनके प्रवक्ता हमेशा ये कहते रहते होंगे कि एक बंदे की ओर बचाने के लिए हमारी ड्यूटी लग गई है। दरअसल राहुल गांधी के वही बचकाने वाले बयानों को लेकर आज की डिबेट के अंदर एंकर ने सपा प्रवक्ता से क्या सवाल पूछा, सपा प्रवक्ता दाएं बाएं भागने लगे और एंकर ने पकड़ लिया। दोस्तों, डिबेट वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एक लाइक कर दें और वीडियो पूरी देखें, पूरा आनंद लें। तो ज्यादा बात न करते पहले वीडियो में चलते हैं। पिक्चर चालू करो बे। तारिक जी, आप भी सहमत है इस बात से कि विपक्ष की जिम्मेदारी इतनी है? हालांकि मैं इसमें एक बात जरूर कहूंगा, राहुल गांधी के साथ उस दिन अखिलेश यादव भी खड़े थे, लेकिन अखिलेश यादव ने वो सब नहीं किया जो राहुल गांधी कर रहे थे, लेकिन फिर भी आपको लगता है जस्टिफाई सब कर रहा जो किया गया? देखिए, बहुत बार बहुत सी चीजों पे सहमति नहीं होती। अभी अभी एक मामला हुआ जो कांवड़ वाला, उसमें विपक्ष की सहमति नहीं थी, बहुत से पार्टनर इनकी दूसरी बात कह रहे हैं। यही बात हमने संसद में भी देखी, जब इमरजेंसी के लिए लोग खड़े हुए तो अखिलेश जी खड़े हुए थे, क्योंकि नेताजी ने उस टाइम जेल देखा, बहुत सी चीजें झेली। हुआ हुआ की आवाज जानवरों की है, ठीक है, मान लेते हैं। और ये कौन सी आवाज है? जेपी नड्डा की। जेपी नड्डा सारे गामा पधा निसा बोल रहे हैं, हुआ हुआ किसी जानवर की आवाज है, और कौन सी जानवर की आवाज है? लेकिन ये मसला क्या है ना कि विपक्ष की आवाज तो जानवर की है, मगर ये है सुरीला सारे गामा पधा निसा, ये हु नहीं है। कौन कह रहे हैं? कौन कह रहा है? जब आपके बोलने में सांसद लोग कह रहे थे कि मणिपुर पे बोलिए तो गला घुट गया, किसी ने आके गला दबा दिया, घुट गया, पता नहीं कौन कौन से शब्दों का प्रधानमंत्री ने प्रयोग किया। जब 140 सांसदों को सस्पेंड कर दिया जाता है, 140 से ज्यादा का गला घुटता है लोकतंत्र। सरकार में भी वाजपेयी के टाइम में जैसे विपक्ष को साथ लेके चला जाता था, वो 14 के बाद चीजें खत्म हो गई। हिंदुस्तान के इतिहास को, हिंदुस्तान की राजनीतिक इतिहास में नए किस्म की अध्याय लिखने शुरू हो गए, और इतिहास जब लिखा जाएगा आजादी के बाद से, तो इसका भी जिक्र होगा कि ऐसे भी लोग आए जिन्होंने विपक्ष को ऐसा कर दिया कि मोहन भागवत साहब को कहना पड़ा कि वो दुश्मन नहीं है, वो तुम्हारी बात का एक दूसरा नजरिया। क्यों कहा उन्होंने? वो अगर उनको इस बात की चिंता थी तो उन्होंने कहा कि उसको दुश्मन मत मान। चलिए, अच्छा है, आज आप मोहन भागवत जी की भी बातों को स्मरण कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है। और लेकिन आपने आपकी एक बात से मैं सहमत हूँ, कई चीजें ऐसी हैं जो इतिहास में कभी नहीं हुई, इस बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। और आपने कहा कि इतने सांसदों को जो है सस्पेंड किया गया, दुर्भाग्यपूर्ण था, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन इतिहास में मैंने आज तक नहीं देखा, और मैंने क्या मुझे लगता है किसी ने नहीं देखा होगा कि जब संजय सिंह मार्शल को घूंसा मार रहे थे, वो वीडियो भी हमने देखा था, इतिहास में कभी नहीं देखा था। जब पूरी की पूरी, अरे नहीं देखा, अभी सुनिए संसद के अंदर विधानसभा में तो आप लोगों ने माइक उखाड़ के फेंके थे, वो मुझे मालूम है। मैं संसद की बात कर रहा हूं। तारिक खान सुनिए अभी और होगा, अभी सुनिए। मैंने आपको पूरा मौका दिया, आप सुनिए। मैंने आज तक नहीं देखा विधानसभाओं में, तो आप लोग कुर्सी उठा उठा के फेंकते रहे, लेकिन संसद को विधानसभा मत बनाइए उत्तर प्रदेश की। ये बात तो मैं मानता हूं, रुकिए, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। संसद को उत्तर प्रदेश की विधानसभा मत बनाइए जैसा आप लोगों ने बनाया था। और दूसरी बात, सिर्फ घूंसा नहीं मारा था,
एक महिला मार्शल का गला दबाया था। वो महिला मार्शल आईसीयू में भर्ती हुई थी, महिला मार्शल का गला दबाया था, संविधान की जो किताब थी उठा के स्पीकर की कुर्सी पर फेंकी गई थी। ये भी जो है ऐतिहासिक है। आज से पहले मैंने कम से कम मैंने क्या देश ने आज तक कभी ऐसी बेशर्मी नहीं देखी थी कि जब महिला मार्शल का महिला मार्शल का गला दबाकर उसको पहुंचा दिया जाता आईसीयू में। ऐसी बेशर्मी देश ने कभी नहीं देखी थी जो इस बार देखी। यह इतिहास भी बना। अब मैं बकवास कर रहा हूँ तारिक खान, अब मैं बकवास कर रहा हूँ, अब दर्द हुआ, अब मैं बकवास कर रहा हूँ, अब मैं बकवास कर रहा हूँ, मैं ऐसे ही बकवास करता हूँ तारिक खान, क्योंकि मेरी बकवास सुनकर आप लोगों को मिर्ची लगती है सच सुनकर, और मैं सच बोलना छोड़ूंगा नहीं। आप मुझे बकवास कहें मैं सच बोलूंगा। अभी तक आप बड़ा खामोशी से सुन रहा था ना आपको, लेकिन मैंने दो बातें बोली। कैसे उछल पड़े आप कुर्सी से, कैसे उछल पड़े, क्योंकि सच कड़वा होता है। आपको आईना दिखाता हूँ, आपको आईना दिखाता हूँ तो आप उछल पड़ते हैं। आपको आईना दिखाया तो उछल पड़े ना तारिक खान। अब रुकिए, अभी तक आप बड़ा ज्ञान देते थे, अभी तक तारिक खान बड़ा ज्ञान देते थे दूसरों को कि जब मैं बोल रहा हूँ तो दूसरा ना बोले, मैं तो किसी की बात में नहीं बोलता। अभी मैंने बोलना शुरू किया था कुर्सी से उछलने लगे। अब इनकी आवाज नीचे रखिएगा, नीचे करिए इनकी आवाज। अब कुर्सी से उछलने लगे, अब दो चार सच बताए तो कुर्सी से उछलने लगे। सच सुनने की आदत भी डालिए। ऐतिहासिक चीजें हमने भी बहुत सारी देखी हैं, और वो इतिहास के पन्ने खोलना शुरू करूंगा तो आप लोगों के लिए डिबेट में बैठना मुश्किल हो जाएगा। डिबेट छोड़ के भागेंगे आप लोग, डिबेट छोड़ के भागेंगे आप लोग। आवाज नीचे करिए इनकी, आवाज नीचे करिए। अब बड़ी अब आप शांति से सुनिए ना, इतनी जल्दी अधीर काहे हो गए। देखिए कुर्सी छोड़कर भागिए, नहीं भाग रहे हैं क्या कुर्सी छोड़ करके? हाँ शर्म आ रही होगी तारिक खान, सारा शर्म आ रही होगी सुरेश नकुआ। तारिक खान इतना मत शर्माइए, अभी और कच्चे चिट्ठे खोलूंगा, थोड़ा बचा के रखिए, अभी और कच्चे चिट्ठे खोलूंगा आपके, फिर उसके बाद मुंह छुपा के भागिएगा। एक ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद आता हूं। तारिक खान हाँ, कुर्सी छोड़ के मत जाइए, कुर्सी छोड़ के मत भागिए। अभी तो कुछ चीजें सुनाई, अभी तो 10% सुनाया आपको, अभी से आप कुर्सी छोड़कर भाग रहे हैं। दूसरों को ज्ञान देते थे कि मैं बोल रहा हूं तो ना बोले कोई, और जब मैं बोलने लगा तो मिर्ची लग गई। मत भागिए, बैठिए कुर्सी पर, ज्ञान मत दीजिए दूसरों को, ज्ञान लेना भी सीखिए। दोस्तों डिबेट के एंड में ये जो राजनीतिक विश्लेषक राहुल लाल ये जो बीच में बोल रहा था, इस डिबेट के अंदर हमारे राष्ट्रवादी एंकर अशोक श्रीवास्तव ने इसका भी बैंड बजाया है। वो वीडियो भी मैंने अपलोड करी है, जस्ट इससे पिछले वाली ही है, जरूर उसे भी जाकर देखें। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, क्या कहना है इसके बारे में कमेंट कर दें। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।